हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह से जली जली हुई बर्तन जो होती है, दूध और चाय रखकर जब हम भूल जाते हैं तो ये इस तरह से जल जाती है। तो इसे जलने के बाद हम इसे कैसे क्लीन करें वो हमें समझ में नहीं आता है, हमें बहुत टेंशन हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए छोटा सा टिप लेके आई हूँ कि इसे जल्द से जल्द कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रिक क्या है। इस पैन को पहले इंडक्शन पर चढ़ा लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका। उसके बाद डालेंगे इसमें हम पानी डाल देंगे, पूरा आधा पैन पानी होना चाहिए। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम रेड हार्पिक। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर। आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हो जो कपड़े और बर्तन साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 1 चम्मच इसमें डाल देने के बाद हम इसमें बॉयल आने के लिए इसको छोड़ देंगे। सिरका डालने से क्या होता है, जो इसमें परतें जो चिपकी हुई रहती हैं वो उखड़ कर ऊपर आ जाती हैं। अब इसमें देख सकते हो, चम्मच की सहायता से एक बार हम इसमें स्क्रब कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे गर्म ही स्क्रबिंग करना है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। सूखने ठंडा होने के बाद ये सारा जला हुआ और चिपक जाएगा उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दवा का छिलका। दवा तो सभी के घरों में आता है, इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी। ये जब गरम रहे, गरम गरम है, गरम पानी का ही यूज़ करेंगे इसमें हम। और इसमें धीरे धीरे से 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें। 10 मिनट का टाइम 10 मिनट के स्क्रबिंग के बाद आप देखोगे कि बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसमें किसी भी स्क्रब की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दवा के छिलके से ही साफ़ हो जाएगा। 10 मिनट इसको स्क्रब करने के बाद ये इस तरह से साफ़ हो गया है। आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है ये। इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे गर्म पानी होने के बाद तुरंत ही स्क्रब करना है, क्योंकि गर्म गर्म जब रहता है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो जो इसकी जली हुई परतें होती है वो वापस से चिपक जाती हैं। तो आप इसे इसका ध्यान रखें। आप इस तरह से इस ट्रिक को जरूर आजमाएं। अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई स्टील का बर्तन या एल्युमिनियम का बर्तन अगर जल गया हो तो आप इस टिप को ज़रूर आजमा के देखें, ये बहुत ही काम की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर देंगे ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। देख सकते हो बिल्कुल ही क्लीन हो गया इससे। इसमें आपका 10 से 15 मिनट टाइम चला जाएगा लेकिन ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।